नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, उसके विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है। अनदर पाम पिक में देखा गया था फिंगर की लेंथ ज़्यादा दिख रही थी लंबी, तो इस कंडीशन में ये डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ही सोच विचार अथवा दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना या प्लानिंग को ज़्यादा समय देने के योग यहाँ पर निर्मित होते हैं। आप जैसे जातक उन जातकों में से नहीं होते जो इमीजिएट बिना सोचे समझे अपनी बात को कह देते हैं या फिर एक्शन ले लेते हैं और फिर कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। नहीं, प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस कर काम करने की चेष्टा को ही बढ़ाता है। अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी और एडजस्टिंग नेचर भी ये यहाँ पर बिल्ड करके देता है। समय परिस्थिति के अनुसार इजिली अपने आप को ढाल पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं तो अपने अंडर में भी दूसरों को तक अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। यहाँ पर जो लिटिल फिंगर है वो सबसे मेन कारक होती है बिजनेस के लिए। लिटिल फिंगर जब यहाँ पर शॉर्ट दिखाई दे, फर्स्ट फोर तक ना पहुंचे, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट हल्का सा वीक होता है। जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाने की टेंडेंसी देखने को मिलना, या फिर जो कमिटमेंट या पंचुअलिटी मैनेजमेंट है हल्का सा वीक होना। अब इसके पीछे रीज़न ये होता है कि ये मल्टीटास्किंग एक तो नेचर देता है और अपने ओर से 100% एफर्ट्स कहीं ना कहीं नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप बिजनेस में, क्योंकि आपके जाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है बिजनेस में, तो बिजनेस में जाएं तो अपना मैनेजमेंट स्ट्रांग रख करके जाए। एज अ किसी को एम्प्लॉय भी आप हायर कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस में आपकी हेल्प करेंगे। अदरवाइज जो मरकरी माउंट है वो डेवलप ठीक है, मरकरी लाइन भी डेवलप अच्छी हो रही है, तो इस कंडीशन बिजनेस सेंस से अलग ये दोनों इंक्रीज हो रहा है। आइडियाज़ बहुत अच्छे आ जाते हैं, बस इम्प्लीमेंटेशन में इस प्रकार की थोड़ी लिटिल फिंगर दिक्कत दे सकती है। यहाँ पर थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में देखेंगे तो आपकी फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इस कंडीशन में यह रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं अथवा बहुत कम उम्र से जिम्मेदारियां भी उठाते हुए आते हुए देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फिंगर ज्ञान का कारक है, तो नॉलेज के रिगार्डिंग भी कोई कमी होता नहीं है और इस कंडीशन में नॉलेज को बढ़ाते हुए ही हमेशा देखने को मिलते हैं। जिस विषय में आपसे बात किया जाए, 3 से 4 कमेंट डेफिनेटली आप उस विषय में रखने वाले रहेंगे और सेल्फ रिस्पेक्ट इस कंडीशन में ज़्यादा रहता है, तो जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं। एज अ लीडर, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट या टीचर भी या मैनेजर भी प्रोफेशनली अच्छा ग्रोथ कर पाने के योगों को निर्मित करता है, जिसमें किसी समूह का नेतृत्व करना पड़े या उनसे काम निकलवाना पड़े। वहाँ कुछ अगर दिक्कत दे सकता है तो थोड़ा कम्युनिकेशन दे सकता है, बाकी मेजरली फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत बड़ा अधिकारी या बहुत बड़े लेवल तक व्यक्ति को लेकर के जाता है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के बदौलत और एक्सपीरियंसेस के बदौलत। फिंगर के बीच में नेचुरली जब ऐसे गैप मेंटेन हो तो ये अधिक खर्चीलेपन की निशानी होती है, तो खर्चों पर नियंत्रण कम देखने को मिलता है। पैसा जीवन में आता ठीक है, रुकता नहीं है और आने के पहले एक प्रकार से जाने का निर्धारण हो चुका रहता है, इसलिए सेविंग्स करते रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट या पैसा कहीं ना कहीं फंसाए रखना ज़रूरी होता है। और फिंगर के ऊपर जब ऐसे सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला हो तो ये फ्रेंडली नेचर, मिलनसार किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे रिश्ते कायम करके रखना, अनबन मतभेद दूरियों जैसी स्थिति उत्पन्न न होने देना, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके नेचर में दिख रहे हैं। यानी रिश्तों को ज़्यादा तवज्जो दे करके चलते हैं। और फिंगर के जो ये नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, जिसके कारण यह कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। इसमें डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। फैलेंजेस हालांकि डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बिल्कुल ठीक देखने को मिलेगा। वहीं जो थम का साइज है, देखिए कितना अच्छा सशक्त है, जो कि एक मजबूत किस्म के व्यक्तित्व को, चरित्रवान किस्म के व्यक्तित्व को, थोड़े से जिद्दी व गुड स्ट्रांग मेमोरी स्किल्स टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। इन सभी का मतलब यह रहता है कि आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं, कुछ भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाते हैं, छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें आपको अच्छे से याद रह जाती हैं और तमाम तरह की प्रेशराइज सिचुएशंस को भी लाइफ में इजीली हैंडल टेकल करते हुए पाए जाएंगे। कान के कच्चे नहीं होते, यानी किसी के बातों में जल्दी नहीं आते। सोच विचार दूरदर्शिता रख निर्णय लेने की सक्षमता को ही बढ़ाता है। मेमोरी व ग्रेसिपिंग स्किल इम्प्रूव ये करते रहता है, इसीलिए सच सुनना, सच का साथ देना,
बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, यानी तथ्यों के साथ बातचीत करना सुनना पसंद करते हैं। और आपका जो फर्स्ट फीलिंग जो उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है सेकंड के कंपैरिजन में, तो इस कंडीशन में जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग देखने को मिलता है। तो जो भी एक बार था ना वो चीज करके दिखा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह है लेकिन अगेन ओपन है, पैसा आएगा रुकने नहीं वाला है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और इसमें ये रहता है कि अगर आप मेडिटेट करते हैं, प्राणायाम करते हैं, धार्मिक रहते हैं, तो पीस एंड हैप्पीनेस आपके लाइफ में अच्छे से एग्जिस्ट करेगा, उसमें फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। इंट्यूशंस, सिक्स्थ सेंस इसमें डेफिनेटली देखने को मिलता है। जहाँ थंब का ज्वाइंट पॉइंट है वो मांसल अच्छा है, तो अगेन हर काम के पीछे अपने नाम की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो पाम का यहाँ पर आपका साइज है वो आपकी लंबाई में अच्छा रिएक्ट कर रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम डिजायर एम्बिशन को रिप्रेजेंट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाने में सक्षम रहते हैं। अभी यहाँ पर बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र के विषय में, तो आपका गुरु का क्षेत्र विकसित बिल्कुल सामान्य है। और यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन अच्छी खासी निकली हुई है, तो इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन को एम्बिशियस लाइन भी कहते हैं। और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा जुनून देखने को मिलता है अपने ड्रीम डिजायर या एम्बिशन के प्रति। जो भी जीवन में ठानते हैं वो निश्चित रूप से कर दिखा पाने में सक्षम रहते हैं, क्योंकि विल पावर भी आपका बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात इसमें यह है कि खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रख रहना या नॉलेज गेन करते रहना, ये सब बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। इस कंडीशन में बुक रीडिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं इसलिए क्योंकि हमेशा अपने लाइफ में एफर्ट्स लगाते हुए देखने को मिलते हैं, मेंटली और फिजिकली, करियर वाइज भी लाइफ में, ताकि और ज़्यादा बेटर स्थिति उत्पन्न होते रहे, जिसके तहत स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लग्जरीज बढ़ते चला जाता है। तो सुख समृद्धि अच्छी बढ़ती हुई दिख रही है उम्र 19 और 20 के आसपास से ही, और इसके बाद से लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। उसके पहले एक आइलैंड का फॉर्मेशन था जो फैमिली लाइफ इशू, हेल्थ इशू और हेल्थ के अलावा मेंटल ट्रबल, टेंशन भी दर्शा रहा है, लेकिन 1920 के बाद से धीरे धीरे रिकवरी आप अच्छे खासे होते चले जा रहे हैं। तो ये सब गुरु का ही देन है। गुरु मैरिड लाइफ को भी यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, तो बच्चों से भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, मैरिड लाइफ भी फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगी। फैमिली लाइफ थोड़ी सी स्ट्रेसफुल दिख रही है क्योंकि जुपिटर थोड़ा कम एरिया भी ले रहा है, और शुक्र की आड़ी रेखा थोड़ा अननेसेसरीज अनवांटेड टेंशन प्रेशर देती है फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग। बाकी कोई मेजर दिक्कत यहाँ पर नहीं है। सैटर्न माउंट हल्का सा दब रहा है तो काम होने में देरी हो जाता है, लेकिन अगर भाग्य रेखा के बारे में देखा जाए तो भाग्य रेखा 20 सिंबल के साथ शुरू हुआ, तो इस कंडीशन में आपके जन्म के बाद आपके घर परिवार में समृद्धि या सुख सुविधा बढ़ी थी। आपके पास भी एक से ज़्यादा स्किल देखने को मिलता है इस कंडीशन में। और यहाँ पर जो लक लाइन है वो मून से भी अटैच है, तो मून से जब लक लाइन अटैच होकर के चले तो इस कंडीशन में मन की ज़्यादा सुनते हैं, सुन सबके लेंगे, करेंगे अपने मन की। जन्म स्थान से दूर भाग्योदय के पूर्णतः या रसने बसने के योग निर्मित हो जाते हैं। शादी के तत्पश्चात लाइफ में कंफर्टेबिलिटी या फ्रूटफुलनेस, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। मदर सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है और बाहरी दुनिया लोगों से प्रेम, दुलार, प्यार, सहयोग भी अच्छा प्राप्त होता है। स्पाउस लक और सपोर्ट भी इस कंडीशन में अच्छा रहता है, तो इसीलिए ये लक लाइन जो है फ्लुएंट बेस्ड यहाँ पर आपकी रन करते हुए सीधे के सीधे आगे बढ़ रही है। लेकिन इसमें जो रफ्तार आ रही है वो माइंड लाइन से निकली भाग्य रेखा से आ रही है। माइंड लाइन से भाग्य रेखा जब निकलती है तो इसका मतलब ये रहता है कि खुद के लिए गए निर्णय या फिर प्लानिंग या स्किल्स के कारण आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के साथ साथ सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि ये रेखा सीधे यहाँ से निकलते हुए शनि तक पहुंचा, और शनि हमारा फाइनल रिजल्ट है, सेटिस्फेक्शन है, हमारा डेस्टिनी है। तो जब यहाँ पर भाग्य रेखा पहुंचती है तो निश्चित रूप से इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब यहाँ पर भाग्य रेखा जो है हल्की सी फेल करके चल रही, तो इसने इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है, लेकिन माइंड लाइन वाली लाइन यानी लक लाइन बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। और यहाँ पर ये रेखा निकल रही है 37 अप्रोक्स एज में, तो 37 के एज में आप बहुत बड़ा अपने लाइफ में एक प्रकार से रिस्क लेंगे या बहुत बड़ा काम शुरू करेंगे, लाइक बिजनेस हुआ या कुछ भी इंडिपेंडेंट वर्क। और फिर जाकर के ये कंटिन्यू रेखा चल रही है, इट मीन्स कि वो ओल्ड एज तक या उसके बाद भी जो है वो काम चलते रहेगा, जिससे आपको अर्निंग होता रहे अथवा लाइफ में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी बनी रहे। जितनी भी ये रेखाएं हैं ये सब अपॉर्चुनिटी लाइन है, टेम्परेरी बेस्ड अर्निंग के लिए ये अच्छी मानी जाती है। और इस कंडीशन में एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदिपन उत्पन्न होने लगता है। और आपके शनि रेखा के ऊपर 20 सिंबल का साइन है, तो आपका कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग भी वर्क को देखने को मिलेगा, क्योंकि जब रेखा खासकर शनि और सूर्य के बीच में जाती है तो जो ज्ञान आपके पास रहेगा वो दूसरों के काम अच्छा आएगा। तो एज अ मीडिएटर, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट बहुत अच्छा प्रोफेशनली ग्रोथ कर पाते। और 20 सिंबल का साइन किसी भी रेखा के अंत में हो तो उसके शुभ पर जो है प्रभाव बढ़ा देता है। तो भाग्य का सहयोग आपको
जरूरत के समय निश्चित रूप से मिलता है। ये इस बात का यहाँ पर प्रमाण है। और आगे चल करके और भाग्य रेखा मजबूत होती चली जा रही है। तो 37 के एज से जैसे हमको अच्छा ग्रोथ दिखा, वैसे ही 40 प्लस में आते आते मल्टीपल सोर्सेस ऑफ फंडिंग या कार्यों में विस्तार होते हुए देखने को मिलेगा। इसके पीछे रीजन और है, जैसे यहाँ पर आपकी जो सूर्य रेखा है वो भी एकदम स्टार्ट होते हुए सूर्य तक एकदम सही ढंग से पहुंची है। तो सूर्य रेखा हमारे डिसिप्लिन को इंडिकेट करता है, हमारे रूल्स रेगुलेशन एथिक्स को दर्शाने लगता है, यानी आप एक बार जो चीज़ ठानते हैं वो करके दिखा ही देते हैं किसी भी हालत में। इसीलिए सूर्य आपका बहुत मजबूत है। आप उन लोगों में से नहीं है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बात कह दी और कुछ कर नहीं रहे। बहुत समय लेंगे भले ही प्लानिंग में, लेकिन एक बार काम शुरू किया तो अंत कैसे भी करेंगे ही। तो ये सूर्य रेखा इज्जत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और जो भी इच्छा मनोकामना होती है उन सभी को पूर्ण करने के साथ साथ बहुत अच्छा वेल्थ भी क्रिएट करके देता है। इसीलिए सूर्य की स्थिति मजबूत है। और यहाँ पर आपके सूर्य के ऊपर देखेंगे तो और भी मेजर सपोर्टिव लाइन चल रही है। जैसे यहाँ पर ये रेखा रुक रुक करके सही, लेकिन अभी बुध और सूर्य के बीच में जा रही है जो बुधादित्य योग का निर्माण करता है। तो खुद के दम पर घर बना पाना या प्रॉपर्टी बिल्ड कर पाना ये सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का ये साइन है। जितनी भी ऊपर की तरफ रेखाएं हैं ये भी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ नेम रिस्पेक्ट गेन करने की योगों को निर्मित करता है। और यहाँ से रेखा जब निकल के सूर्य की तरफ झुके तो ये सर्विस सेक्टर में जाने के योगों को दर्शाता है। सर्विस सेक्टर मतलब ये कि खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखे रहना या बाहर का काम घर में लेकर के आने के जैसे योगों को यह यहाँ निर्मित करता है। और एक स्क्वायर का साइन भी डेवलप्ड होता दिख ही रहा है। तो ये भी फॉरेन लैंड्स में खुद का घर बसने के योग या फिर फॉरेन लैंड में कार्य बढ़ने के योग या फिर स्थापित होने के योग निर्मित करता है। तो ये भी प्रोटेक्शन का ही साइन है। और इस कंडीशन में नेम वेल्थ रिस्पेक्ट इन सारी चीज़ों में कमी नहीं होती है। हल्का सा एक क्रॉस का साइन भी दिखा यहाँ पर, ये यहाँ पर तो हल्का सा ये लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टार्टिंग में नहीं मिल पाता, क्रेडिट किसी काम का ये वैल्यू प्रॉपरली मिल नहीं पाता, लेकिन आगे चल करके जैसी सारी लाइंस डेवलप्ड हो रखी हैं ये सब के सब आपको वैल्यू रिस्पेक्ट या सक्सेस अपने काम में देगी। अब यहाँ पर बीच में आप देखेंगे तो ये जो आकृति बन रही है ये लूप ऑफ आपका सीरियसनेस है। तो इस कंडीशन में ज़्यादा लंबे समय तक एक प्रकार से मिलना जुलना घुलना पसंद नहीं करते। थोड़ा समय खुद के साथ व्यतीत करना, खुद की कंपनी को एंजॉय करना, भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर होना, ये कॉम्बिनेशन ये क्रिएट करता। तो रहते रहते कहीं ना कहीं थोड़े सीरियस हो जाते हैं आप। लेकिन वहीं दूसरे तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आकृति बनी हुई है, इसे कहते हैं लूप ऑफ ह्यूमर। तो ऐसा है कि फिर ज़्यादा लंबे समय तक सीरियस भी नहीं रहते, घुलना मिलना बातचीत करना हंसी मजाक करना ये सब चीज़ें भी पसंद आता है। तो ये जब दोनों कॉम्बिनेशन होते थोड़ा मूडी नेचर ये दे देता है। तो कब आपका इमोशन फीलिंग कैसा रहे या कैसा मूड रहे कोई व्यक्ति जज नहीं करता है, नहीं कर पाएंगे। और अगर मूड अच्छा है तो फिर तो ऐसा है कि स्ट्रेंजर भी फिर अपने से मतलब सगे से बड़े हो जाएंगे, इतना मिलनसार व्यवहार या घुलना मिलना हंसमुख मजा क्या हो जाएगा। और जब सीरियस हो जाएंगे तो अच्छे अच्छों को कहीं ना कहीं डर लगेगा आपसे आपके पास आने में। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इस बात का प्रमाण है कि आप अपने करियर को फैमिली को दोनों को इंजॉयमेंट को या सीरियसनेस को दोनों को एक बराबर लेकर के चलेंगे। बहुत सारे हथेली में या व्यक्तित्व में ये भी देखने को मिलता है कि जब ये दोनों कॉम्बिनेशन रहते हैं तो जब भी हंसते हैं तो डर लगता है कि अब रो ना दें। इसके अलावा मरकरी के ऊपर बात करें, मरकरी ही मेन कारक है बिजनेस का और आपकी क्वेरी भी इसी विषय पे है। तो मरकरी पे जो मल्टीपल लाइन होती है तो ये बिजनेस लक को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। सेंस ऑफ ह्यूमर जो हुआ, बिजनेस सेंस हुआ, इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होता है। तो कम्युनिकेशन इंप्रूव होने लगता है, मार्केटिंग स्किल एंड एनालिटिकल कैपेसिटी इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होने लगता है। इसीलिए कन्विंसिंग स्किल जैसी चीज़ें डेवलप्ड होती है, किस समय क्या निर्णय लेना है, क्या बात करना है, किस व्यक्ति को कैसे समझाना है, कैसे एक प्रकार से राजी करना है, ये सारे कॉम्बिनेशन मरकरी फिर देने लगता है क्योंकि इंटेलिजेंसी ये बढ़ाने लगता है। हृदय रेखा के अंत में गोपूज क्या करती है जो कि गुड सेंस ऑफ ह्यूमर फ्लैटी रोमांटिक नेचर का कारक है। यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में देखेंगे तो यहाँ हृदय रेखा आपकी सीधे निकलते हुए गुरु पर जा रही है और हल्की हल्की से फिर ओवरलैप करते हुए जुपिटर की तरफ जा रही है। तो देखा जाए तो अगेन ये भी एक आशावादी किस्म के नेचर को, प्रैक्टिकल लॉजिकल एटीट्यूड पर्सनैलिटी और वर्कोहोलिक नेचर को इंडिकेट करता है। लेकिन ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा इमोशनल सेंटिमेंटल टाइप की पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। हालांकि अपने इमोशन ज़्यादा शो करना पसंद नहीं करेंगे लेकिन इंटरनल सॉफ्ट हार्टेड पर्सनैलिटी के यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई मेजर दिक्कत नहीं है तो सारे रिलेशन इसीलिए अच्छे से हैंडल कर पाते हैं क्योंकि काम को या रिश्तों को समय समय पर तवज्जो देते हुए देखने को मिलते हैं।
माइंड लाइन के बारे में देखेंगे तो माइंड लाइन में काइलेन दिखा, फिर उसका थोड़ा सा और स्ट्रेस दिख रहा है 24 केस तक, क्योंकि 21 से 24 के बीच में सेक्रीफाइस ज़्यादा करते हुए लाइफ में देखने को मिल रहे हैं। 24 के बाद में माइंड लाइन फिर से स्टेबल होना शुरू हुई और फिर इसमें बायफोर्क का बहुत बड़ा साइन आ गया। अब ये जो माइंड लाइन से रेखा झुक करके पूरा मरकरी की तरफ जाने लगता है, तो इस कंडीशन में किसी बिजनेस मैन वुमेन या किसी प्रकार के बिजनेस से डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होते हैं। और दूसरी जो रेखा है वो आपकी डिक्लाइन जा रही है, जो कि आपको डीप थिंकर या गुड इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी देगा, जिसके कारण डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर को ये बिल्ड करता है। तो ये दोनों फॉर्मेशन आपको लाइफ में एनालिटिकल कैपेसिटी इंक्रीज करने वाला होगा। इसीलिए हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के ख्यालों में रहने के जैसे योगों को यह निर्मित करता है। और माइंड लाइन लॉन्ग है तो प्योर ये ऑब्जर्विंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, आपका नॉलेज बहुत ब्राइट ही आपको देने वाला रहेगा। और ये जो रेखा आ रही है एक और आउटर मार्स से, ये हिम्मत को बढ़ाता है। इसे इस रेखा को मार्स लाइन सपोर्टिव माइंड लाइन भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में हौसला, जुनून, पराक्रम या सहनशीलता जैसी चीज़ें बढ़ने लगती हैं, इसीलिए हिम्मत नहीं हारते। तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन बिल्कुल एकदम ठीक दिख रहा है। ऊपर से एनालिटिकल कैपेसिटी एनालिसिस के साथ साथ सही समय पर सही निर्णय लेने जैसे कि योग भी निर्मित हो रहे हैं। जैसे एक तो दिख रहा है 35 में ही, 38 में, फिर प्रोग्रेस लाइन सक्सेस लाइन निकली 37 में। तो बहुत अच्छा ये ड्रास्टिक चेंज और गुड करियर वाइज ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इन्हीं सभी के अंतर्गत एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट होता दिख रहा है, जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वर्क में बहुत ज़्यादा लाभ देता है। ये मंगल का क्षेत्र है, यहाँ पर भी वी सिंबल का साइन है, ये भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छा काम देता है। और यहाँ मंगल के क्षेत्र के ऊपर देखेंगे इस क्षेत्र पर, तो यहाँ पर आपको बारीकी से देखने पर मिल जाएगा कि यहाँ पर आपको ट्रायंगल का और स्टार का दोनों का साइन बिल्ड होते हुए दिख रहा है, जिससे ट्रायंगल का साइन आपको इस क्षेत्र पर देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, और जो स्टार का साइन है वो आपको इस क्षेत्र पर बनते हुए देखने को मिलेगा रेखाओं के द्वारा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये भी मंगल का ही क्षेत्र है, और मंगल कारक होता है भूमि का, भूमि निर्माण कार्य, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं, घर के काम होते हैं, या फिर जमीन के रिगार्डिंग कोई भी काम रहता है, रियल इस्टेट के रिगार्डिंग आपका पर्सनल नॉलेज भी है, तो इन सब के रिगार्डिंग लाभ मिलने के आसार ये बहुत अच्छे बढ़ा देता है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप काम करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। अदरवाइज यहाँ पर जो आपका लक लाइन है उसमें मून का कनेक्शन है, और ऊपर से माइंड लाइन से भी लक लाइन निकली है, तो यही सजेशन दिया जाएगा कि अगर आपका खुद का कुछ आइडिया है या मन का आप कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली करिए, कोई उसमें दिक्कत या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी जो माइंड लाइन है ये मंगल से आकर के पूरे माइंड लाइन से अटैच हुई, मरकरी लाइन निकली और फिर माइंड लाइन एक और है, तो इससे ये जो ट्रेंगल बन रहा है इस कंडीशन में आप जैसे जातक मल्टी मिलियनर बनते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि ये इनोवेटिव आइडियाज़ को बिल्ड करता है। और बिजनेस है तो अपने आइडियाज़ को बिजनेस में अप्लाई करते हुए अच्छा मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटेजी को ये बिल्ड कर देता है, इसीलिए ये ट्रेंगल जो है सक्सेसफुल होने के चांसेस को 10 गुना बढ़ा देता है। तो ये सारे फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। और लाइफ लाइन के पैरेलल भी देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइन आपकी निकल तो बहुत अच्छी रही है, जैसे यहाँ पर निकली हुई है आपके 29 के एज में, 32, 36 के एज में, तो ये सारे एजेस ऐसे रहेंगे जिसमें जो भी काम करेंगे उसमें सफलता निश्चित मिलेगा। एक थोड़ा फैमिली लाइफ इशू या मेंटल स्ट्रेस टेंशन आपको तकरीबन 32 से 34 के मिड में आया था, लेकिन उन सबसे रिकवर होते हुए कोई दिक्कत नहीं आया आपको, और फिर लाइफ लाइन का जो फ्लो है वो बाहर की तरफ झुक रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर ही सेटल व ग्रोथ होने के चांसेस बिल्ड होते हैं। फिर शुक्र की तरफ रेखा रही तो फैमिली से कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग अच्छा रहता है, लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य को ही निर्मित करता है। शुक्र के पहले मंगल को देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्टिव लाइन है, समय समय पर स्ट्रेंजर का सपोर्ट या दूसरों का सपोर्ट मिलते रहेगा। आउटर मास भी डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग, फिजिकल स्ट्रांग दोनों यहाँ पर देखने को मिलेंगे। शुक्र का क्षेत्र भी बढ़िया डेवलप्ड है, जो लग्जरियस लाइफ का मेन कारक है, शौकीन किस्म का नेचर देता है ऐसा शुक्र, तो जीवन के प्रति बड़े शौक हनुमान रहते हैं। साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी, फैशन, ब्यूटी, डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रति अच्छा इंटरेस्ट या नॉलेज रखने वाले, और कभी भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज जैसी चीज़ों से या रॉयल्टी जैसी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले भी देखने को मिलते हैं, इसलिए पैसा बहुत खर्च कराता है ऐसा शुक्र। जहाँ चंद रुपये से काम बनेगा वहाँ पर उससे कई गुना ज़्यादा खर्च कर देंगे, लेकिन खुद को सेटिस्फाइड डेफिनेटली करेंगे लग्जरीज के रिगार्डिंग खासकर। यहाँ की आड़ी रेखा ओवरथिंकिंग का एक निशानी भी होता है, इसलिए ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से आपको बहुत ज़्यादा दूर रहने की आवश्यकता है, तब जाकर के इंटरनल पीस या हैप्पीनेस या जॉयफुलनेस आपकी लाइफ में बढ़ेगा। चंद्र के ऊपर
भाग्य रेखा के द्वारा ट्रायंगल का साइन है और यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन है, तो ये फॉरेन से बहुत अच्छे कनेक्शन या परमानेंट सेटलमेंट होने जैसे योगों को निर्मित कर देता है। और जितनी भी रेखा निकल रही हैं ये सब इस बात का प्रमाण है कि आपके मन में अनेकों विचारधारा एक ही समय पर चलती रहती है, मन थोड़ा विचलित रहता है इस कंडीशन में। लेकिन ऊपर की तरफ रेखाएं उठ रही हैं तो ये नेगेटिव साइन नहीं है, इस कंडीशन में जो भी मन में रहेगा सबको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, एग्जीक्यूट करने का समय अब आने वाला है, तो ऐसे मेजरली कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे आपके लक लाइन के बारे में यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी लक लाइन मून से ही बायफोर्क से स्टार्ट होते हुए सीधे सैटर्न तक जा रही है। बहुत लक की साइन है ये, क्योंकि एक तो लक और दूसरों के सपोर्ट या स्पाउस के सपोर्ट से भी जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। और मरकरी लाइन इसके कंपेरिजन में धीरे धीरे से लेकिन बहुत अच्छी डेवलप्ड होती जा रही है। और सूर्य पर पहले नीचे बहुत सारे रेखाएं कन्फ्यूजन करती है कि किस क्षेत्र में काम करना चाहिए, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आगे चल करके सूर्य की रेखा एकदम स्मूथ हो गई है और मरकरी लाइन भी स्ट्रांग हो गई है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली अब आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब आप अपने लाइफ में रिस्क ले सकते हैं, आप कोई भी डिसीजन लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगा। अब सक्सेस रेट आपकी लाइफ में ज़्यादा दिख रहा है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।